पति अपनी पत्नी को लेकर आया, इसलिए नहीं लाया कि उसे प्यार करता है, इसलिए लाया कि खुद तो अपनी लुगाई को कुछ कह नहीं पाता, मुझसे कहलवाना चाहता है। भाई मर्द के बच्चों तो खुद बोलो अपनी लुगाई को, वहां सबकी टह बोल जाएगी। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इस देश के पतियों ने मुझे सुपारी दी हुई हो कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे, तू कह दियो हमारी तरफ से। या देखा जाए तो इस देश के पतियों का मैं अंबेडकर हूँ। ये बेचारा शोषित समाज जो आज तक ऊपर नहीं उठ सका, इसको मेरे जैसे ही संतों की आवश्यकता है। इस देश के पतियों को एक संत मिला है, इसके लिए उसका स्वागत कर सकते हैं। बोलो पत्नी नहीं देखे बस इस हिसाब से ताली बजाओ। और वैसे भी देखा जाए तो आजकल मार्केट में बहुत संत घूम रहे हैं, और दूसरे शब्द में कहूं तो मार्केट वाले संत घूम रहे हैं। जिस संत के पास जाओ एक ही बात कहेगा, माया त्याग दो। बोले क्या करें? बोले मुझे दे दो। हर एक चाहता है वो तो करोड़पति बन जाए और आप बाबा जी बन जाओ। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभी मैं अमेरिका गया, मैंने वहां देखा पति पत्नी बहुत प्यार करते हैं। सड़क पर चलते चलते प्यार कर लेंगे, ट्रेन में बैठे बैठे प्यार कर लेंगे। हिंदुस्तान में तो पति सारा घर में प्यार नहीं करता, बाहर के तो बात छोड़ दीजिए। इतना प्यार करते हैं अमेरिका में पति पत्नी कि उनका प्यार का कोटा 2 साल में पूरा हो लेता है, फिर वो तलाक ले लेते हैं। हिंदुस्तानी पति पत्नी सुबह प्यार करेंगे, शाम को माथा फोड़ लेंगे, तो जिंदगी भर प्यार का कोटा पूरा ही नहीं हो पाता। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, क्योंकि हम एक जन्म में प्यार का कोटा पूरा नहीं कर सकते। हंसने की बात नहीं, आपको अगले जन्म में दूसरी लुगाई चाहिए, तो इस जन्म में इस वाली को खूब प्यार करो, अपना कोटा पूरा कर लो, बस भगवान अगले जन्म में दूसरी दे देगा। और नहीं कोटा पूरा करेगा तो 70 जन्म तक यही मिलने वाली है। हंसने की बात नहीं है, कल से जिस पत्नी को पति प्यार करने लग जाए तो समझ लेना साढ़े के दिल में खोट है, वो चाहता ही नहीं कि अगले जन्म ये। मैंने तो टेक्निकल बात बता दी। अच्छा, मैंने रिसर्च की कि इस देश में पति पत्नी से डरता क्यों। हमें जितनी भी ताकतें मिलती हैं सब औरतों से मिलती हैं। पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ, बुद्धि चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, ताकत चाहिए दुर्गा जी के पास जाओ, आदमी के पास छोड़ा क्या, मेरे समझ में नहीं आया। हमारे शंकर भगवान विष्णु भगवान बिल्कुल खाली बैठे, एक पावर नहीं दोनों के पास में, जिसे कहते हैं ना मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। इसलिए एक जाकर बेचारा पहाड़ पर बैठ गया, और कपड़े भी कितने दिए पहनने को, देखो इसे गले में सांप और डाल दिया, थोड़ी कसर बची थी तो जटा से गंगा और निकलवा दी ठंड के अंदर, पीने को मांगा तो विष पिला दिया। ऐसे में आदमी टांडव नहीं करेगा तो क्या बांसुरी बजाएगा भी सीधी। दूसरे को शेषनाग पर लिटा दिया, वो भी समुन्द्र में दूर दूर तक पीने का पानी भी नसीब नहीं हो सकता। अच्छा, दोनों बेचारे आपस में रोना भी नहीं रो सकते कि एक पहाड़ पर बैठा एक सागर में लेटा है, वरना दुखी पति आपस में बात करके मन हल्का कर लेते। एक हमारी जान को आ गया करवा चौथ का व्रत, पता नहीं लुगाई कब तोड़ दे, इधर व्रत टूटा उधर पति साथ, क्योंकि पति की जिंदगी के लिए रखा जाता है। इस देश में 100 व्रत ऐसे हैं कि पत्नी नहीं रखे तो पति की सेहत खराब हो सकती, 1 व्रतशाला ऐसा नहीं बनाया जो पति नहीं रखे तो लुगाई के जुखाम भी हो जाए, तो हम तो बल्ला भी नहीं निकाल सकते। अभी करवा चौथ को घराली बोली सोने का सेट दिला, मैंने कहा मैं तो नहीं दिलाता, बोले व्रत तोड़ू के अंदर से रोटी ले आई, बोले ला रहा है कि अभी खाऊं, मैंने प्राण जाएंगे ले आया। विदेशों में करवा चौथ के व्रत होते नहीं इसलिए वहां तलाक हो जाते। अभी मैंने ब्याह की 25वीं वर्षगांठ मनाई, अमेरिका में होता तो 25वीं लुगाई की मना रहा होता, करवा चौथ नहीं होता ना वहां। हमारे यहाँ पति पत्नी तो रेल की पटरी की तरह, मिलो मत साथ जरूर चलना पड़ेगा, अलग इसलिए नहीं हो सकते कि बच्चे स्लीपर बनकर दोनों को जकड़े हुए हैं, ना इसको इधर जाने देते हैं ना उसको उधर जाने देते। अच्छा, इस देश में हर एक पत्नी पति को एक धमकी जरूर देती है, मैं तो बच्चों की वजह से टिकी हुई हूँ वरना कब की निकल जाती। अब मैंने अपनी लुगाई से कहा, मैंने देख सारे बच्चे ब्याली अब तो निकल ले,
बोले ना जरा पोते का ब्याह और देख लो, उसने कभी नहीं निकलना। और मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिन परिवारों ने ये बच्चों के स्लीपर मजबूत रख लिए वो पति पत्नी इकट्ठे रह गए, जिनके ये स्लीपर कमजोर हो गए वो पति पत्नी भी अलग रह गए।